2023 ଅଗଷ୍ଟ 23 ଭାରତର ମହାକାଶ ମିଶନ ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ଦିନ। ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଭାରତର ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ। ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ଦେଶ ଭାବେ ଭାରତ ହାସଲ କରିଥିଲା ବିରଳ ସଫଳତା। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ମିଶନରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ଅବତରଣ କରି ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ବିକଶିତ ଦେଶକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା ଭାରତ। ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିଯାନରେ ସଫଳ ଅବତରଣ କରିଥିଲା ବିକ୍ରମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର, ଆଉ ତାହାର ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଶିବ ଶକ୍ତି ପଏଣ୍ଟ, ଯାହା ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରଗତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲା। ଏଥିସହ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କ୍ରାସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ହୋଇଥିଲା ତାହାର ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିଲା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପଏଣ୍ଟ। ପୂର୍ବରୁ ରୁଷିଆ, ଆମେରିକା ଓ ଚୀନ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିଯାନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଦେଶ ଭାବେ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ଅବତରଣ କରାଇଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3। ଆଉ ଏହି ଐତିହାସିକ ମିଶନକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ 23କୁ ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। 23 ଅଗଷ୍ଟ କୁ जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। जब हर वर्ष नेशनल स्पेस डे साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की स्पिरिट को सेलिब्रेट करेगा, हमें हमेशा हमेशा के लिए प्रेरित करता रहेगा। चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं, वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा। महाकाश विज्ञान पाई युव पीढ़ी को आकृष्ट करने सह आगामी दिन में सेमानंकु विज्ञान, प्रजुक्ति विद्या, इंजीनियरिंग और गणित गवेषणा पाई प्रेरणा जगाइब। अगस्ट 23 रु एक मास धरी सारा देश में पालित हेब महाकाश दिवस। एथिसह महाकाश गवेषणा क्षेत्र में भारत सफलता को लोकों पाखे पहुंचा जीव। एथर थीम रखा जा भारत महाकाश यात्रा टचिंग लाइफ्स व्हाइल टचिंग द मून। चंद्रयान 3 रो सफलता परे इसरो पक्षरु चंद्रयान 4 ओ चंद्रयान 5 पई चालीछि प्रस्तुति। फर्स्ट नेशनल स्पेस डे से कमेमोरेटिंग द सक्सेस ऑफ सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 3 ऑन द साउथर्न साइड ऑफ द मून, द इंडिया द फर्स्ट नेशन टू एवर टू डू सो। सो व्हाइल यू नो रनिंग अप टू दैट इवेंट, आई हैव ए प्रोग्राम हियर इन दिस म्यूजियम प्रधानमंत्री संग्रहालय। आई केम जस्ट टू लुक एट व्हाट दे डिड टू कमेमोरेट on the success of the moon mission. Happy to see the gallery of showcasing the launch of the rocket and also to be part of the show that we had here organized by Gurukul Academy, primarily bringing the students to inspire them to show that being a participatory function of making moon colonies and such exhibits by the students. So I came to be part of their celebration. Prati barsha mahakasha gaveshana khetra re isro hasil karuchi milestone chandrayaan mission sah गगनायन मिशन पाई चली बड़ धरणर प्रस्तुति। चलित वर्ष शेष सुधा मानव विहीन गगनयान मिशन पाई लक्ष्य रखा जा 2025 रे महाकाश को भारत जड़े महाकाशचारी पठा 2035 सुधा भारतीय महाकाश स्टेशन पाई रही मिशन। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।